हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जा रहा हूँ एक जगह थोड़ा काम से। तो आज मैं फुल आज अपना डे दिखाने वाला कि मैं दिन में क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, आज मेरा दिन गुजरता कैसे है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। कहा था कि मैं कैसे मतलब कि एक दिन मेरा गुजरता है, कि मैं क्या कार्य करता हूँ, मतलब कि दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे दिन भर में रहता हूँ। तो मैं फिलहाल अभी आया हूँ बीटा। तो बीटा आपको बताया हूँ कि बीटा एक हर जगह बगल में ही मेरे गाँव के। तो यहाँ पे एक मार्केट है जिसको समिति बाज़ार कहा जाता है। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर होता क्या है कि जितना आपको सामान चावल आटा चावल गेहूँ वगैरह जो होता है ना, जो थोक में आपको मिल सकता है, देखिए अगर कुछ भी लेना हो ना तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है, पीछे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा आपको। और उधर जो दुकान जो है, दुकान में कि जैसे कि जो घर धनिया वगैरह मतलब मिर्चा विर्चा ये सब जो लेना होता है, घर का सामान जो भी होता है नॉर्मल, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत मतलब कि नामी है ये कहते हैं बाज़ार समिति। तो चलिए आप देखते रहिए वीडियो में कि आगे क्या क्या होता है, पूरा दिन कैसे मेरा गुजरता है। मैं अभी आया हुआ था यहाँ जो है जो बीटा मेन मार्केट है, वहाँ पर इसके पीछे होंडा का शोरूम है और होंडा का सर्विस सेंटर है। वो मेरे एक दोस्त को बाइक लेना है, तो वही पता कर रहे थे रेट वेट के बारे में, कितना भी रेट वेट चल रहा है। तो दिवाली के समय कुछ डिस्काउंट वाउंट मिलते रहता है, तो वही मैं आया था। तो अब मैं जाने वाला हूँ, अभी इंडियन का जो गैस मिलता है ना, वहाँ पे एक कनेक्शन भी लेना है मेरे फ्रेंड को ही। तो चलिए आप देखते रहिए क्या क्या होता है। और अगर वीडियो आपको किसी तरह से इंटरटेनिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर एंड शेयर कीजिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और देखते रहिए पीछे ये पूरा शोरूम। चलिए आगे बैठा हूँ इंडियन का जो गैस एजेंसी है, जो ऑफिस जहाँ पर्ची कटा है, जहाँ से हम लोग गैस लेते हैं वहाँ पर ये है। तो अभी मैं कनेक्शन लेने के लिए आया, तो अभी प्रोसेस कुछ है, तो पूरा कनेक्शन लेने के बाद आपसे बात करता हूँ। बीटा से आ चुका हूँ घर पे। काफ़ी समय हमको लग गया बीटा से आने में, लगभग 2-3 घंटे हो गए पिछला जो आप शॉट देखे थे वहाँ से घर पे आने में। तो चलिए अब घर पे चलते हैं। और अभी तो फिलहाल अभी बाज़ार में हैं हम लोग, ये हमारा बाज़ार है। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। जो मैं बाज़ार में था आ रहा था, उससे काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 4-5 घंटे हो गए। आपको जैसे मालूम है कि दिवाली आने वाला है, तो थोड़ा घरों में सफाई वफाई भी चल रहा था, तो वही उसी में सफाई में थोड़ा लगे हुए थे, तो लगभग बहुत समय लग गया। तो बस खाना वाना खाया और निकल रहे हैं, जा रहे हैं जैसे बैंक, हमको बैंक में थोड़ा काम है, अभी चल रहे हैं बैंक में। तो चलिए आपको बैंक भी दिखाएंगे, पर बैंक शूट नहीं करेंगे, बैंक की ऑफिस वगैरह अंदर, तो उसमें अभी शूट नहीं करना चाहिए, थोड़ा काम है बैंक में। और बैंक का काम करने के बाद आपको दिखाते हैं थोड़ा बैंक का, वो मैंने कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट में, कुछ काम है, तो चलते हैं मार्केट में। चलिए देखिए आप मार्केट पूरा सुन सकते हो। अभी काम था हम फिनिश कर लिए और मार्केट का। और अभी मेरे फ्रेंड का स्टेशनरी का शॉप है, किताब कॉपी का स्टेशनरी। ये मेरा फ्रेंड देख सकते हैं, ये रौनक है मेरा फ्रेंड, ठीक है, हाय बोल रहा है। ये इसका शॉप है, तो ये मेरा फ्रेंड है, यही इसका शॉप है सदीसपुर मार्केट में ही। तो जब भी आते हैं मार्केट में तो इसके शॉप पर ही आकर थोड़ा बैठते बैठते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों देखिए रात हो चुका है, साथ ही बॉबी मेरा फ्रेंड है, ये भी बैठा है, इसको पिछले वीडियो में देखे होंगे, पीछे वाला वीडियो में होगा कभी। तो अभी मैं आया हूँ ये मंदिर पे, ये हमारा सदिसोपुर का हनुमान मंदिर है, काफ़ी चर्चित हनुमान मंदिर है, फेमस। तो यहीं पे अभी शाम में घूमते घूमते आ गया था। ये पूरा मार्केट है पीछे, और आगे भी मार्केट है जो आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ ब्लॉग में। तो देखिए रात कैसा गुजरता है मेरा, बस यही लाइफ स्टाइल है। आप देख रहे हैं कि दिन भर मेरा क्या होता है। सुबह में बीटा गए थे, मतलब कि वर्किंग डे चल रहा है, मतलब कि काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिवाली को लेकर घर में साफ सफाई भी हो रही है, तो ज़्यादा फुर्सत हमको नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं कि मेरा कैसे समय गुजर रहा है। तो देखते रहिएगा आगे, बने रहिएगा वीडियो। आ चुका हूँ घर, तो देख सकते हैं पीछे। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरटेनिंग किसी भी प्रकार से लगा, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको कैसा वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे वीडियो के लिए आपको जल्द ही आपको मैं अलग अलग जगह कोई ब्लॉग लाने वाला हूँ, तो कृपया ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखें एंड थैंक यू, धन्यवाद।